देश में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड के 3000 से अधिक मामले रजिस्टर किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी डेली रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड के कुल 3016 मामले रजिस्टर किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 1396 लोग ठीक हुए हैं। वहीं कोविड के बढ़ते मामले की वजह से डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.73% हो गई है, तो वहीं कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर कुल 4,41,68,321 हो गई है। देश के अलावा अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आए कोविड के मामलों की बात करें तो यहां भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 24 घंटों में बुधवार को कोविड के 300 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 13.89% हो गई। ऐसा पहला मौका है जब देश में पिछले 7 सितंबर के बाद कोविड के मामलों ने पहली बार 300 कोविड केस का आंकड़ा छुआ है। कोविड से संबंधित दो और मौतों की भी जानकारी मिली है। एक्सपर्ट बताते हैं कि देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पीछे कोरोना का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 हो सकता है और इसके कारण भविष्य में नई लहर की संभावना भी बढ़ सकती है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेज वृद्धि के बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,09,361 हो गई है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 26,526 हो गई है।